लेकिन मेरे कान तब खड़े हो गए जब वही व्यक्ति अगले दिन फिर एटीएम में पहुंचता है और दोबारा से 100 रुपए निकालकर ले जाता है। और यह सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। उसमें मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मेरी यह शंका निराधार साबित हुई। सलाम फौजी साहब। क्योंकि वह आदमी तो एक फौजी था। सलाम साहब। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया। फौजी साहब, मैं हर रोज देखता हूँ, आप आते हो, शाम को 100 का नोट निकाल ले जाते हो। यदि आप चाहो तो एक बार में ज्यादा पैसे भी निकाल सकते हो और आपका कई दिन का खर्चा चल सकता है, लेकिन आप 100 का नोट ही क्यों निकालते हो? जवान, मेरा जो ये अकाउंट है ना, जब भी मैं इसमें से पैसे निकालता हूँ, मेरी पत्नी के पास एक मैसेज जाता है, क्योंकि कश्मीर का माहौल तो आपको पता ही है और मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट तो यहाँ रोज ही बंद हो जाता है, तो इसी बहाने मेरी पत्नी को, मेरे घर वालों को पता चल जाता है कि मैं भी जिंदा हूँ और मैं बिना किसी फिक्र के अपने देश की रक्षा करता हूँ। बस इसीलिए रोज सिर्फ 100 रुपए निकालता हूँ। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है, तब जाकर एक माँ का लाल भारत माँ का फौजी बनता है। जय हिंद।